ऑनलाइन एक ऐसी वेबसाइट और फर्जी आई कार्ड बनाने की कोशिश की कि अपने अगले के बंद कमरे में ये पूरी कार्रवाई की है। आगे चलकर हमें लगता है कि बहुत सी जानकारियाँ मिलती जुलती, ये ओरिजिनल और ये फेक। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश। तो हम इस वक्त खड़े हैं मध्य प्रदेश के साइबर सिक्योरिटी मुख्यालय में, जहां के एडीजी योगेश देशमुख ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए कुछ निर्देश बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि वो क्या निर्देश देते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश निर्वाचन मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखी गई, जिसमें एक ऐसे वेबसाइट का नाम उनको बताया गया जिसमें फ्रॉड वेबसाइट और उस फ्रॉड वेबसाइट के माध्यम से फर्जी आई कार्ड वोटर आई कार्ड बनाने की जानकारी दी गई तथा उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सीईओ मध्य प्रदेश के द्वारा उनके ऑफिस से मेरे यहाँ पे चिट्ठी आई और राज्य पुलिस मध्य प्रदेश ने साइबर राज्य साइबर पुलिस ने इसमें एक अपराध पंजीबद्ध किया। अपराध पंजीबद्ध करने के उपरांत इसमें जो हमने कार्रवाइयाँ की वो हम आपसे शेयर करते हैं। एक मार्केट में एक ऑनलाइन एक ऐसी वेबसाइट बनाई गई जिसमें हूबहू ओरिजिनल दिखने वाले वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड प्रिंट किए जा सकते थे। और इस वेबसाइट में आप कोई भी नाम डाल दीजिए, कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, कोई भी फोटो लगा दीजिए और ओरिजिनल दिखने जैसी एक आई कार्ड आपकी जनरेट हो जाएगी। आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं। हमने उसमें वेबसाइट में जब हमने एंटर किया और फर्जी आई कार्ड बनाने की कोशिश की तो बहुत ही नॉमिनल रेट में क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करके 20 रुपए में एक फर्जी वोटर आई कार्ड हमने प्रिंट कर दी। इसमें सचिन तेंदुलकर जी का हमने फोटो डाल दिया, फादर का इनका खुद का नाम सचिन तेंदुलकर की फ़ोटो है लेकिन नाम हमने कुछ और डाल दिया, पिता का नाम कुछ और डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ कुछ और डाल दिया और हूबहू ओरिजिनल वोटर आई कार्ड से मिलती जुलती, ये ओरिजिनल और ये फेक एग्जैक्टली मिलती हुई आई कार्ड प्रिंट हो गई इस वेबसाइट से। इसी तरीके से इनकम टैक्स के जो पैन कार्ड बनते हैं ये ओरिजिनल है और ये फेक, इसमें कोई और फोटो है, कुछ और नाम है लेकिन हूबहू आप इसके डिटेल्स देखेंगे तो एग्जैक्टली मिलती हुई मिलेगी आपको। आप सभी के पास आधार कार्ड होगा, आप सभी ने देखा होगा ओरिजिनल आधार कार्ड, ये हमने फेक आधार कार्ड बनवाया। ये सचिन तेंदुलकर जी की फोटो है, इसमें डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है, एड्रेस डिफरेंट है, फादर्स नेम डिफरेंट है लेकिन हूबहू एग्जैक्ट आई कार्ड प्रिंट हो रहा है। अब ये सब में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये ऐसे प्रिंट होने वाले आई कार्ड्स कहीं भी मिसयूज किए जा सकते हैं, किसी भी पर्पस के लिए मिसयूज किए जा सकते हैं। तो जब हमको ये पूरी हमको पता लग गया कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है तो बहुत से टेक्निकल तरीके से इसमें फिर हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, बहुत से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल किया गया, वेबसाइट के यूआरएल्स को चेक किया गया, यूआरएल्स के फिर कहाँ कहाँ होस्टेड है, कहाँ कहाँ से सर्वर्स यूज हो रहे हैं आदि आदि की जानकारियाँ निकलवाई गई। बहुत से डिटेल्स निकालने के बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली उसमें हमने जीरो डाउन किया बिहार के ईस्ट चंपारण जिले के एक व्यक्ति पर। हमारी टीम बिहार गई, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट गई,
और वहाँ पर जो हमारे पास पहली लीड्स थी उस पर हमने कुछ लोगों को पूछताछ शुरू की, उससे हम दूसरे व्यक्ति पर पहुँचे, वहाँ पर हमने कुछ लोगों से पूछताछ की, उसके बाद फाइनली काफ़ी प्रयास के बाद इस पूरे प्रकरण का, जो इस पूरे वेबसाइट बनाने वाले का जो मास्टरमाइंड है, रंजन चौबे नाम का व्यक्ति है, 20 साल की उम्र है, ईस्ट चंपारण बिहार का रहने वाला है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब इस पूरे मामले में बहुत से टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन अभी भी इसमें बाकी हैं, चल रहे हैं, और ये जो व्यक्ति से जब हमने पूछताछ की, रंजन चौबे जो इस पूरे प्रकरण का मुख्य आरोपी है, तो हमें ये ज्ञात हुआ कि ये 20 साल का युवक है, बिहार का रहने वाला है, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का, और 10वीं तक पढ़ा है, 12वीं फेल, और ये पूरी वेबसाइट बनाने की जो उसकी जानकारी है उसने YouTube के माध्यम से सीखी। ये पहले कभी साइबर कैफे चलाया करता था, और जनरली हर कोई YouTube देखता रहता है, तो उसने YouTube में एक ऐड देखा, घर बैठे बैठे 50,000 कमाए, 1,00,000 रुपए कमाए, तो उस YouTube में उस लिंक में जाता गया, और उसको ऐसे YouTube लिंक मिली जिसमें इस वेबसाइट को बनाने और लॉन्च करने के पूरे तरीके बताए गए थे। इसमें उस व्यक्ति ने पूरा काम सीखा, महीनों सीखा, कैसे वेबसाइट बनाई जाए, कैसे इसको लॉन्च किया जाए, आदि 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 बातें। कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए सोर्स कोड की आवश्यकता होती है, बिना सोर्स कोड के कोई वेबसाइट तैयार नहीं हो सकती। YouTube के माध्यम से ही उस व्यक्ति ने सोर्स कोड खरीदने का तरीका सीखा। अब इसको खरीदने के लिए वो अपना आइडेंटिटी छुपाने के लिए वो तरीके, तरह तरह के तरीके अपनाने की प्रयास करता रहा। इस केस में वो डार्कनेट में जाकर क्रेडिट कार्ड OTP उसने खरीदा, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स खरीदे डार्कनेट में जाकर, फर्जी क्रेडिट कार्ड, ऑफकोर्स ओरिजिनल था, लेकिन इसने डार्कनेट में जाकर किसी अन्य का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर OTP प्राप्त की, पेमेंट किया और सोर्स कोड उसने खरीद लिया। तब उसके बाद फिर इसने आगे सीखा कि इसको कैसे लॉन्च किया जाए, तो उसको पता लगा कि इसके लिए भाई एक नाम की आवश्यकता पड़ती है, डोमेन लेना होता है, डोमेन नेम। उस यूट्यूब से सीखा कि GoDaddy पे जाइए, वो GoDaddy पे गया, वहाँ भी पेमेंट की बात आई, फिर से वो डार्कनेट में जाकर उसने एक नया क्रेडिट कार्ड परचेज किया, OTP परचेज किया, और उससे फर्जी तरीके से फिर अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए उसको पेमेंट किया, तो उसका डोमेन नेम रजिस्टर हो गया। उसके उपरांत उसको होस्ट करना था, वेबसाइट कहाँ होस्ट होगी, तो फिर से उसने YouTube में जो जानकारी मिली थी उसको होस्टिंग राजा नाम की एक वेबसाइट सर्विंग होस्टिंग एजेंसी है, बैंगलोर बेस्ड है, वहाँ पे उसने एक्सेस किया उसको, वहाँ भी पेमेंट की जो बात आई थी, फिर से इसने डार्कनेट में जाकर एक क्रेडिट कार्ड परचेस किया और पेमेंट्स वहाँ भी कर उसने होस्टिंग राइट्स दे दी। और ये सब करना इसने शुरू किया है नवंबर 2023 से। अब ये सब करने के बाद, किसी भी वेबसाइट को लॉन्च करने के बाद, होस्ट होने के बाद, एक पेमेंट गेटवे की भी तैयारी होती है, तो इसने एक अपने मित्र से अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एक गलत फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करते हुए एक किसी अन्य मित्र का QR कोड उसने लिया और उस QR कोड को इस वेबसाइट पे लगाया, और जिसको भी, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो प्रिंट हुए हैं ये मात्र 20 रुपये में प्रिंट हुए हैं QR कोड के माध्यम से। अब इसमें बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स थे, बहुत सारी जानकारी मांगी गई, बहुत सारे पेमेंट गेटवे से जानकारियाँ मांगी गई, और अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और फर्दर इसमें बहुत सा कुछ आगे चलकर हमें लगता है कि बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी। अभी हमने जो जानकारी ली उसके अनुसार करीब 28,000 हिट्स इसके इस फर्जी वेबसाइट में हो चुके हैं।
अब अंदाज़ा लगाएं कि हम एयरपोर्ट जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं या अन्य किसी काम के लिए अपने आई कार्ड देते हैं, हूबहु ओरिजिनल दिखता हुआ इस पर कोई डाउट होने की संभावना नहीं दिखती। किसी भी एक हमें लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हजार्ड है, ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस ने, यद्यपि ये जो भारत निर्वाचन आयोग ने जो चिट्ठी भेजी थी सभी ऑल सीईओज ऑफ ऑल स्टेट्स पूरे कंट्री में भेजी थी, मुझे लगता है कि इसके मास्टरमाइंड को पकड़ के मध्य प्रदेश पुलिस ने, विशेषकर राज्य साइबर हेडक्वार्टर ने, इन्होंने आधार कार्ड फर्जी बनाए हैं, वो आधार कार्ड इस्तेमाल हुए हैं, और अगर इस्तेमाल हुए तो हर आधार कार्ड का पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है, उनका अप्रूवल इनको ऑनलाइन कैसे मिल सकता? ये केवल बनाने के लिए, अभी तो इसकी चेकिंग और टेस्टिंग वाली तो बात ही नहीं है, और इसमें किसने बनाए हैं किसने नहीं बनाए हैं ये सब आपको सर्वर से जानकारियाँ मिलती हैं, सर्वर इसका बाहर यूएस में भी बेस्ड है, तो इसमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। सर, QR कोड और सोर्स कोड जो है, QR कोड सोर्स कोड से जो पैसे निकाल के खाते में डलवाते हैं, QR कोड तो सबके अलग होंगे या सेम थे, किस तरह से ये प्रोसेसिंग? इसने एक QR कोड एक मित्र का था उसके, उसने इसको अपने वेबसाइट पे लगा दिया, आप उसको स्कैन करिए और पेमेंट करिए। एक उसने किसी अन्य व्यक्ति का अकाउंट यूज कर रहा था, वहाँ वो पेमेंट जा रहा था, उसने जो अभी तक हमने अभी पूछताछ की, अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन बाकी है, उसने नवंबर से लेकर अभी तक करीब 3 लाख रुपए बनाए, कितने लोगों के बना चुका है ये अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन में होना पता होना बाकी है। टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसे यूआर कोड दूसरे का इस्तेमाल किया है और बैंक अकाउंट, तो कोई उसका साथी भी है कि इससे पूरा? अभी अभी तक की जानकारी अनुसार ये अपने अगले के एक बंद कमरे में ये पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है, इसने अन्य लोगों की मदद जरूर ली है, उसका उनका एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है ये अभी जानकारी मिलना बाकी है। सर, 10 दिन पहले डाक जाकर ये परचेस कर रहा है, 20 रुपए मात्र में ये फर्जी आईडी कार्ड उपलब्ध करा देता था, क्या लग रहा है सर देश के बाहर का कोई लिंक हो सकता है, क्योंकि जो झाका ही रहने वाला है वो भी बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, ये देखिए इंटरनेट की दुनिया बड़ी अजीब दुनिया है, अभी तक का बाहर का किसी का कोई अभी लिंक नहीं मिला है, तभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो जाएगी, परंतु अगर वो यूट्यूब से सीख के, यूट्यूब में हिंदी भाषा में अगर सिखा के ये सब बन रहे हैं तो ये डेफिनेट चिंता का विषय है। हाँ, ये होस्टिंग राजा में पहले गया, वहाँ से फिर इसने आईपी एड्रेस लेके क्लाउड फेयर नाम की एक कंपनी है यूएस की, वहाँ पे ये होस्ट किया है। ये तो हमने किया है ना, वो तो केवल वेबसाइट है, आप वेबसाइट में जाएंगे, आप डिटेल्स भरेंगे और आप अपने प्रिंटर से उसको निकाल लीजिए, ये बना के देता नहीं था, ये केवल वेबसाइट होस्ट करके सर्विसेज दे रहा था। नहीं, 20 रुपए तो एक हिट है ना, उसके ये तो 28,000 हिट्स हो चुके हैं, इसने 3 लाख रुपए बना दिए, तो हर एक बार जो भी बनाना चाहता है, जैसे अगर मैंने कहा कि हमने एक डिटेल भरा और अपने ऑफिस से हमने 20 रुपए देके डिटेल बना दिए, वो तो बिहार में बैठा हुआ, उसको 20 रुपए मिल गए, ऐसे जब लाखों लोग करेंगे उसको लाखों रुपए बनेंगे। ये किस पार्टी का है सर? किसी पार्टी का नहीं, अभी तक हम इसी कोई जानकारी नहीं, वेबसाइट का नाम हम इसलिए अभी नहीं बता रहे हैं कि वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए हमने लिखा है, अगर हम आपसे शेयर कर लेंगे तो कुछ इसमें असामाजिक तत्व अभी भी इसको प्रिंट कर पाएंगे, इसीलिए अभी हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। इसकी एडवाइजरी हम आपको जारी की है हमने, अभी हम आपको प्रेस नोट दे रहे हैं, आपको 15,000 तो बना ही चुका है, क्योंकि 3 लाख रुपए कमाए हैं, 20 रुपए के हिसाब से 15,000 कम से कम 3 लाख है, तो उसमें और वेरिफिकेशन होना है, इसके अकाउंट सभी पूरे वेरीफाई हो रहे हैं, चेक हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों को शुभकामनाएं, बड़ा काम किया है, धन्यवाद। तो जैसा कि देखा आपने, ये थे भोपाल साइबर डिपार्टमेंट के ADG योगेश देशमुख, जिन्होंने इस व्यक्ति के बारे में बताया जो ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर, ऑनलाइन फेक वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी कर रहा था। अब देखने वाली बात यह है कि लोग और इस जो ये व्यक्ति पकड़ाया है इसको लेकर जागरूक होते हैं या और ऐसे ही लोगों के चक्कर में पड़ते हैं। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।